भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी हार मान ली है और अखिलेश यादव इस वक्त जीत के नशे में हैं। वैसे भी आपको बता दें कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था कि जीत तो उनकी ही होगी, फिर चाहे सरकार भले ही मोदी की बने। तो चलिए आपको बताते हैं कि निरहुआ के हारने की और अखिलेश के जीतने के कारण दोनों सेम हैं। पहला कारण है निरहुआ के हारने का आजमगढ़ के यादव और आजमगढ़ के मुस्लिम्स। जी हां, आजमगढ़ के यादव और मुसलमानों ने जमकर अखिलेश यादव को वोट दिया। उनका मानना है कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को कहीं से गिराया नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का विकास ही किया है। दूसरा मुख्य कारण है कि जिस सीट से अखिलेश यादव लड़ रहे थे, ये उनके पिता की सीट है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव आज तक आजमगढ़ से कभी नहीं हारे हैं और आज जब मुलायम सिंह यादव सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूरी बना रखे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये सीट किसी और को नहीं उनके बेटे के पास ही जाने वाली है। वही फॉर्मूला हुआ जिस तरह से गोरखपुर से अगर योगी किसी पर भी हाथ रख दे तो वो जीत जाएगा, फिर वो चाहे रवि किशन रहे हो या फिर वहां से खेसारी लाल यादव भी खड़े होते तो वो जीत जाते। ठीक वही हाल आजमगढ़ की सीट का भी है। वहां से कभी मुलायम सिंह यादव खड़ा हुआ करते थे और अब उनके बेटे अखिलेश यादव खड़ा हो रहे हैं। अगर वहां से मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के बजाय घर के किसी सदस्य या पार्टी के किसी भी सदस्य को उतारते तो वो जीतता ही जीतता। तो बस यही दो कारण हैं अखिलेश यादव के जीतने के और यही दो कारण हैं निरहुआ के हारने के। वैसे आपको बता दें कि अखिलेश यादव 33,000 वोटों से विजयी हुए हैं। देखा जाए तो पहली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस हिसाब से ये हार इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग आंक रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।